गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 22 फरवरी और आज के सेक्शन में जितने भी प्रश्न करंट अफेयर्स के शामिल किए गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर फॉलो कर लें। दोस्तों, अगर आपको PDF क्विज, साइंस एंड टेक न्यूज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स न्यूज, लेटेस्ट अपडेट आदि चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए प्रोफेशनल स्टडी सर्च कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है टेबल टेनिस। जी हाँ दोस्तों, मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है और हाल ही में इन्होंने 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस जीती है। साथ ही इन्होंने भारत की तरफ से कई एशियाई खेलों से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इन्हें उत्कृष्ट खेल भावना के लिए राजीव गांधी रत्न खेल पुरस्कार 2020 भी दिया गया है। नेक्स्ट, DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र है। अगर इसको दोस्तों करंट से रिलेट करते हैं तो हाल ही में उपराष्ट्रपति ने CDFD का दौरा किया था और वहाँ उन्होंने बाल चिकित्सा दुर्लभ अनुवांशिक विकार प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगमोहन रेड्डी को हाल ही में स्कॉच ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है और साथ में हैदराबाद शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता भी मिली है। और बात करते हैं राज्यपाल की, तो विश्वभूषण जो है वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं तथा चीफ जस्टिस अरूप गोस्वामी हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस कंपनी ने अंतिम गतिशीलता वाहन X टाइगर 1 विकसित किया है? जिसका सही आंसर है दोस्तों हुंडई। जी हाँ दोस्तों, हुंडई मोटर कंपनी ने अंतिम गतिशीलता वाहन X टाइगर 1 विकसित किया है और यह वाहन किसी भी सतह और किसी भी ग्रह के सतह पर उतर सकता है। और दोस्तों, यह हुंडई मोटर कंपनी द्वारा ऑटोस्क और संदवर्ग फेरर के साथ विकसित किया जा रहा है। और बात करते हैं अगर भारत में सबसे अधिक बिकने वाली कार की, तो उसकी कंपनी कौन है? तो मारुति सुजुकी है, जो भारत में सबसे अधिक कार बेचने वाली कंपनी है। नेक्स्ट, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 20 फरवरी। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, इस साल इसका विषय है ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। और विश्व सामाजिक न्याय दिवस की स्थापना 26 नवंबर 2007 को हुई थी और यह संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की संयुक्त पहल है। और दोस्तों, इस दिवस का मनाने का उद्देश्य लोगों में समानता, साथ में न्याय पाने की प्रवृत्ति आदि को विकसित करना है। नेक्स्ट, बैद आपके द्वार नामक योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। यहाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में बैद आपके द्वार नामक योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत आयुर्वेदिक चिकित्सक घर घर जाकर सेवा प्रदान करेंगे। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में हाल ही में ई कचरा क्लिनिक की शुरुआत की गई है। और दोस्तों, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, किस राज्य ने स्नेक पीड़ लॉन्च किया है? इसका सही आंसर दोस्तों केरल। यहाँ दोस्तों, केरल ने स्नेक पीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, यह एप्लीकेशन सांपों पर सभी प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करेगा, साथ ही सांपों को सार्वजनिक रूप से पहचान करने, सर्पदंश से उपचार, मिथक हटाना आदि में सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट, परसेवरेंस रोवर को किस रॉकेट की मदद से छोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है Atlas V541। जी हाँ दोस्तों, Atlas V541 की मदद से परसेवरेंस रोवर को मंगल ग्रह की सतह पर भेजा गया था। और दोस्तों, मंगल की सतह पर उतरा परसेवरेंस रोवर 10 साल तक काम करेगा, साथ ही एक इंजीनिटी नाम से एक हेलीकॉप्टर भी वहाँ भेजा गया है और इस रोवर में पहली बार प्लूटोनियम ईंधन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, समाचारों में रहे हेलिना तथा ध्रुवास्त्र क्या है? तो इसका सही आंसर है एंटी टैंक मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, हेलिना तथा ध्रुवास्त्र एंटी टैंक मिसाइल
हैं। और फ्रेंड्स डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है और डीआरडीओ ने हेलिना मिसाइल सेना के लिए बनाया है, जबकि ध्रुवास्त्र वायुसेना के लिए बनाया गया है। और ये दोनों फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं और ये तीसरी पीढ़ी के लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मिसाइल हैं। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना कौन सा युद्धपोत नेवेडेक्स 21 और आईडेक्स 21 में हिस्सा लेने के लिए यूएई गया हुआ है, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसका सही आंसर है आईएनएस प्रलय। यहाँ दोस्तों आईएनएस प्रलय को संयुक्त अरब अमीरात में नेवेडेक्स 21 और आईडेक्स 21 कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया है। नेक्स्ट, हॉल ऑफ फेम अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है एकता कपूर। एकता कपूर को हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में एकता कपूर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और एकता कपूर ने टेलीविजन, बॉलीवुड, ओटीटी हर जगह अपने कंटेंट को रखा है और साथ में इन्होंने ऑल्ट बालाजी नाम से प्रोडक्शन कंपनी भी खोला है। साथ ही 2020 में पद्मश्री से सम्मानित भी इन्हें किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।